कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर केस में लगातार कुछ न कुछ अपडेट सामने आ रहा है। आपको बता दें कि आरोपी संजय रॉय को पुलिस ने पहले तो संदिग्ध समझा, सीसीटीवी में वो कैप्चर होता है, जिसके बाद पुलिस उसे पुलिस थाने बुलाती है और पूछताछ करती है तो मामला कुछ और ही निकलता है। अब पुलिस कस्टडी में होने की वजह से संजय से लगातार पूछताछ जारी है। वहीं दूसरी ओर लड़की की जो पीड़िता है उससे भी लेकर पूरी जाँच की जा रही है कि आखिर उसके साथ रात में क्या कुछ हुआ था। इस केस के बारे में जो कुछ अपडेट है हम इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक, मैं हूँ अश्विनी सिंह। दरअसल 8 से 9 अगस्त के दरमियानी रात की बात है, जिस दिन नीरज चोपड़ा का मैच था। आपको बता दें कि वो मैच देखने के लिए जो ट्रेनी डॉक्टर है अपने दोस्तों के साथ वो सोच रही थी कि ये मैच देखेंगे, और होता भी यूँ है कि ये बाकायदा डिसाइड करते हैं, जिसके बाद ये 11:30 बजे से 12:30 बजे के बीच में खाना खाते हैं। ये खाना पहले से लाए होते हैं लेकिन इन्हें लगता है कि ये लोग मैच आराम से देखेंगे, जिसकी वजह से उन्होंने जोमैटो से भी खाना ऑर्डर किया। और खाना ऑर्डर करने के बाद तीन दोस्त होते हैं उस पीड़िता को लेकर, तीन लोग वहां होते हैं जो डिनर करते हैं और इसके बाद वो नीरज चोपड़ा का मैच देखने के लिए बैठ जाते हैं। बता दें कि नीरज चोपड़ा का जेवलिन थ्रो मैच ये देखते हैं, जिसमें उन्होंने सिल्वर पदक भी जीता है। ये मैच देखने के बाद पीड़िता को लगता है कि वो उसे नींद आ रही है, वो वहाँ से चली जाती है आरजीकर मेडिकल कॉलेज के 4th फ्लोर पर, जहाँ सेमिनार हॉल होता है, वहाँ जाती है। गद्दे पर वो लाल कलर का ब्लैंकेट रखा होता है, उसे ओढ़ कर वो सो जाती है। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन इसके बाद जो संजय रॉय यानी आरोपी जो पुलिस की कस्टडी में है, उसने जो खुलासा किया है पुलिस कस्टडी में रहते हुए, वो सुनने योग्य है कि आखिर उसने कैसे क्या कुछ किया था उस लड़की के साथ। दरअसल पुलिस पूछताछ में संजय ने बताया कि वो लड़की जब वो जाता है हॉस्पिटल में तो देखता है कि 3rd और 4th फ्लोर के कॉरिडोर में वो घूमते रहता है। वो ड्रंक होता है क्योंकि उसने शराब के नशे में वो होता है, उसे पता नहीं होता, वो वहाँ पर कॉरिडोर में घूमते रहता है। इसी दरमियान उसकी नज़र पड़ती है 4th फ्लोर के सेमिनार हॉल में। वो वहाँ जाता है तो देखता है कि एक लड़की गद्दे पर सोई हुई है, लाल कलर का ब्लैंकेट ओढ़ी थी, जिसके बाद वो लड़की के पास जाता है और उसके साथ दरिंदगी करता है। दरिंदगी करने के बाद वो वहाँ से फरार हो जाता है, लेकिन इसी दरमियान वो वहाँ पर अपना जो गले में उसका ब्लूटूथ होता है वहीं पर भूल जाता है, और वो ब्लूटूथ का जो हाल था वो बेहद दयनीय था, यानी बेहद खराब था, टूटा हुआ था। जिसके बाद पुलिस जब वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि ब्लूटूथ कोने में पड़ा हुआ है, वहीं दूसरी ओर लाश पड़ी हुई है और तमाम जगह खून ही खून पसरा हुआ था। आरोपी वहाँ से फरार हो जाता है, लेकिन जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि एक लड़की की लाश है, वो ट्रेनी डॉक्टर थी। जिसके बाद पुलिस जाँच पड़ताल करने लगती है, फॉरेंसिक की टीम को बुलाती है और तमाम चीज़ों पर कड़ियां जोड़ने लगती है कि आखिर इस वारदात को किसने और कैसे अंजाम दिया। इस केस का खुलासा तब होता है जब अगली सुबह 9 तारीख को पीड़िता को बुलाने के लिए जाते हैं लोग कि आखिर ये अपने राउंड पर क्यों नहीं आई, तो देखते हैं कि सेमिनार हॉल में एक लड़की की लाश पड़ी है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि ट्रेनी डॉक्टर थी। इसके बाद पुलिस वहाँ पहुँचती है, जाँच पड़ताल करती है तो उसे वहाँ टूटे हुए ब्लूटूथ मिलता है। अब पुलिस सोचती है कि आखिर ये ब्लूटूथ किसका है, पूरे अस्पताल में पूछती है कि आखिर किसी का है, तो सब ने ना में जवाब दिया। इसके बाद पुलिस उस ब्लूटूथ को सीसीटीवी में खंगालने लगती है कि आखिर ये ब्लूटूथ किसका है। पुलिस कई बार मशक्कत करती है, काफ़ी जब कई ऐसे सीसीटीवी वीडियो जब देख लेती है तो उसमें देखती है कि एक शख्स उस ब्लूटूथ को अपने गले में टांगा हुआ था। अब पुलिस की नज़र उस पर जाती है, पुलिस उसे संदिग्ध मानती है। अब उसका फोटो लेकर पूरे अस्पताल में पूछा जाता है कि क्या इसे कोई पहचानता है, तो इस पर सामने आता है कि ये सिविक वॉलेंटियर है जो यहाँ पर कई मरीजों को एडमिट करने के लिए लाता है, इसका नाम संजय रॉय है। अब पुलिस संजय रॉय के पीछे पड़ जाती है, उसका मोबाइल नंबर लेती है, खंगालती है तो उसे पुलिस स्टेशन बुलाती है। अब संजय अगले दिन 9 तारीख को पुलिस स्टेशन भी पहुँच जाता है। पुलिस अपना जुगाड़ लगाती है और वो जो टूटा हुआ ब्लूटूथ होता है उससे का बटन ऑन करती है। इसी बीच संजय को बोलती है कि तुम अपने मोबाइल में ब्लूटूथ डिवाइस ऑन करो, वो ऑन कर देता है। पुलिस यहाँ से जो उसका ब्लूटूथ हेडफोन होता है उसके उस डिवाइस का
स्विच ऑन करती है और स्विच ऑन करते ही संजय के डिवाइस से कनेक्ट हो जाता है। अब पुलिस कुछ देखती नहीं है, सोचती नहीं है और फौरन संजय को गिरफ्तार करती है, जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाता है और कोर्ट में पेशी के बाद उसे 14 दिन की पुलिस कस्टडी मिलती है। अब पुलिस कस्टडी में रहते उसने कई खुलासे किए हैं, जिसमें उसने बताया है और ये कबूल किया है कि हाँ, वो 8 और 9 अगस्त के दरमियानी रात उस अस्पताल में गया था। अस्पताल में जाने के बाद वो बताया था कि वो ड्रंक था, पहले से नशे में था और इसी दरमियान उसकी नज़र उस पीड़िता पर पड़ती है, यानी ट्रेनी डॉक्टर पर पड़ती है और ये अपने मन में कुछ प्लान बनाने लगता है। प्लान के तहत ये पहले तो तीसरे चौथे फ्लोर पर पूरी निगरानी करता है, कॉरिडोर में घूमता है कि कोई कहीं कुछ देख नहीं रहा। इसके बाद वो चौथे फ्लोर पर जाता है, जहाँ पर देखता है कि सेमिनार हॉल में वो लड़की अकेली पड़ी है, उसका फ़ायदा उठाता है और लड़की के साथ जबरन दरिंदगी करता है। दरिंदगी के बाद उस लड़की की हत्या भी कर देता है। जब ये पूरी वारदात सामने आती है तो लड़की का जब पोस्टमार्टम किया जाता है, उस रिपोर्ट को देखकर आप भी दंग रह जाएंगे कि आखिर लड़की के साथ इस तरह से इसने हैवानियत की है। ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर समाज में कैसे किस्म के लोग आज भी पड़े हुए हैं। आपको बता दें कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है उसमें उसके आँख से खून बह रही थी, उसके मुंह पर काफ़ी गंभीर चोटें थी, इसके साथ साथ उसके चेहरे पर नाखून के खरोंच थे। इतना ही नहीं, चाहे लड़की का पेट हो, चाहे बायां पैर हो, चाहे दाहिना हाथ हो, चाहे फिर छोटी उंगली हो, चाहे होठ हो, चाहे लड़की की गर्दन हो, ये तमाम चीज़ों पर उस शख्स ने इस तरह से वार किया था कि कोई टूटा था तो कहीं से खून आ रहा था तो कहीं से स्क्रैच के निशान थे। इन तमाम चीज़ों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सामने होता है। ये सब तो भी ठीक था, लेकिन लड़की की माँ और लड़की के पिता से जब बातचीत किया गया तो उन्होंने जो खुलासा किया वो भी अस्पताल पर गंभीर सवाल खड़े करता है। दरअसल जब पीड़िता के माँ बाप से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि उन्हें एक दिन बाद यानी 9 तारीख को फ़ोन आया था अस्पताल से कि उनकी बेटी की तबीयत खराब है। ये सुनकर वो दंग रह जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इसके बाद फ़ोन कट हो जाता है, लेकिन तुरंत ही वो फौरन फ़ोन घुमाने लगते हैं, लेकिन वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। इसके बाद तकरीबन तीसरी कॉल वहां से अटेंड की जाती है, जिसमें बताया जाता है कि आपकी बेटी ने खुदकुशी कर ली है, आप फौरन अस्पताल आ जाइए। ये सुनते ही पिता वहां दौड़े भागे पहुंचते हैं। जब वहां पहुंचते हैं तो उस बेटी की हालत देखकर वो भी सहम जाते हैं कि आखिर बेटी के साथ इतनी दरिंदगी कैसे किसी ने किया हो। जब वो बेटी के लाश के पास पहुँचते हैं तो देखते हैं कि बेटी की हालत बेहद गंभीर थी। उसके हड्डी से लेके उसके हाथ पैर, चाहे आँख हो, चाहे मुंह हो, चाहे कान हो, हर कुछ वहाँ से उसकी हालत ख़राब की गई थी, जिसे देखकर एक पिता के आंसू रुक नहीं रहे थे। यहाँ तक कि पिता ने ये कहा कि जब वो अपनी बेटी को देखे तो देखा था कि उसका चश्मा भी जो था वो बुरी तरह से टूटा हुआ था, यानी उसके साथ जबरन कई बार उसके साथ दरिंदगी की होगी, जिसकी वजह से ये हालत थी। यहाँ तक कि बेटी की जो लाश मिली है उस पर कोई कपड़े भी नहीं थे, अर्धनग्न अवस्था में उस लड़की की लाश मिली होती है। पिता ने यही सब चीज़ें बताई है। दूसरी ओर माँ ने भी कहा है कि जिस तरह से बेटी की लाश मिली है उन्हें सोचने पर मजबूर कर रहा है कि अस्पताल में आखिर सेफ्टी सुरक्षा किस तरह से है, क्योंकि रात नाइट शिफ्ट में अगर लड़की की आपने जॉब लगाई है, ड्यूटी लगाई है, तो आपको सेफ्टी और सुरक्षा का भी उतना ही ख्याल रखना चाहिए। और दूसरी ओर जिस तरह से उन्होंने फ़ोन पर कहा कि लड़की ने खुद से यानी खुदकुशी कर ली है, और दूसरी ओर लड़की की हालत जो देख रहे हैं वो कुछ और ही बयां कर रहा, तो तमाम ऐसे सवाल थे जो पुलिस और अस्पताल दोनों को ही कटघरे में खड़ा कर रहे थे। हालांकि ये केस तब तूल पकड़ा जब तमाम डॉक्टर्स थे वो प्रोटेस्ट करने लगे, जिसकी वजह से ये मामला तूल पकड़ने लगा और यही लेकर वो बोलने लगे कि आरोपी को अरेस्ट किया जाए, पुलिस पर दबाव बनता है, जिसके बाद पुलिस आरोपी संजय को गिरफ्तार कर लेती है, उससे पूछताछ करती है, तो उसने भी पुलिस में कबूल कर लिया कि उसने पहले रेप किया, रेप के बाद उस लड़की को मौत के घाट उतार दिया और वहाँ मौकाए वारदात से जो ब्लूटूथ मिला था वो भी कहीं ना कहीं कातिल का ही मिलता है। यानी एक होनहार लड़की को सिर्फ इसलिए खो दिया गया क्योंकि एक शख्स की भूख थी, वो भूख जिससे वो लड़की मिटा तो नहीं सकती थी, लेकिन उसने जबरन उस लड़की के साथ वो भूख मिटानी चाही, जिसकी वजह से एक होनहार लड़की आज दुनिया से रुखसत हो गई है। आपको बता दें कि इस केस में भारतीय न्याय संहिता का जो सेक्शन होता है 103(1) के तहत हत्या यानी मर्डर का मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके साथ ही संजय पर सेक्शन 64 के तहत रेप का भी मामला दर्ज किया गया है।
फिलहाल जो संजय है पुलिस की गिरफ्त में है, उससे लगातार पूछताछ की जा रही है, जिसमें ये भी खुलासा हुआ है कि संजय ने 4 शादियां की थी, जिनमें से 3 बीवी उसकी पहले से भाग चुकी थी, उसका रवैया ठीक नहीं था, जिसकी वजह से कोई भी बीवी उसके पास टिक नहीं सकी थी, और वहीं जो 4थी बीवी है वो कैंसर से जूझ रही थी, जिसकी वजह से उसकी भी मौत हो चुकी है।